नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 16 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे नेशनल मेडिकल कमीशन से संबंधित न्यूज़ है। बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। अभी देखो, हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। नए कॉलेजेस को मान्यता देनी हो, यानी नए मेडिकल कॉलेजेस को एफिलिएशन देने के लिए काम करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। लेकिन काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे। प्राइवेट कॉलेजेस का प्रॉपर रूप से इंस्पेक्शन नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पे फाइन कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए अब गवर्नमेंट एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाना चाहती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट खत्म कर देगी और उसकी जगह मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगी नेशनल मेडिकल कमीशन। तो यूनियन कैबिनेट ने अब इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन में नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने के लिए बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। रंजीत रॉय चौधरी कमेटी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर यह नेशनल मेडिकल कमीशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 25 सदस्य होंगे इस कमीशन के और उन कमीशन को सिलेक्ट किया जाएगा एक सर्च कमेटी के द्वारा। सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके अलावा मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक एग्जिट टेस्ट भी देना होगा ताकि क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स मेंटेन की जा सके। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी होगी नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर, और मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी स्टेट्स की तरफ से, यूटी की तरफ से। 64 मेंबर्स होंगे मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल की, समझ गए ना। नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य होंगे 25, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी होगी और जिसके सदस्य होंगे 64, और इस मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन होगी स्टेट्स की तरफ से और यूटी की तरफ से भी। देखो, पहले क्या होता था, हर साल मेडिकल कॉलेजेस को अपना जो लाइसेंस है, एफिलिएशन जो है, वो रिन्यूअल करवाना पड़ता था। लेकिन एक बार अगर ये बिल पारित हो जाता है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक बार बन जाता है, तो एक ही बार किसी मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस लेना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए और अपने कोर्स स्टार्ट करने के लिए। बार बार हर एक साल लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा अपने लाइसेंस को। और पहले क्या होता था, जो प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं, बहुत सारे फेक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं ये दिखाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कि देखो हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हमें मान्यता दे दीजिए, और इंस्पेक्शन होती नहीं थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अच्छे से। तो अब सरकार ने इस ड्राफ्ट में कहा है कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज इस प्रकार से फेक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है लेबोरेटरीज के मामले में, पेशेंट्स के मामले में, या फिर किसी दूसरे मामले में, तो उसको फाइन होगा। बच्चों से जितनी मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जितनी फीस इकट्ठी की जाती है, सब सारी फीस मिला के या तो उसका आधा या फिर उससे 10 गुना तक फाइन लग सकता है उस मेडिकल कॉलेज पे जो धांधलेबाजी करेगा। अब देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि एम्स का जो भी डायरेक्टर होगा वो मेंबर होगा नेशनल मेडिकल कमीशन का। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नॉमिनी ऑफ पीजीआई चंडीगढ़, ये सब जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के। मतलब कोई भी पर्सन हो एम्स का डायरेक्टर, वो नेशनल मेडिकल कमीशन का मेंबर होगा ही होगा। ये नीचे वो डिटेल है कि मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होंगे 64 और रिप्रेजेंटेशन होगी स्टेट्स की तरफ से, यूटी की तरफ से, यूजीसी के चेयरपर्सन। इसके अलावा नाक यानी नेशनल एक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो, ये सब मेंबर होंगे मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के, ना कि नेशनल मेडिकल कमीशन के। चार बोर्ड्स होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर में, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, एथिक्स के लिए, रेटिंग्स एंड असेसमेंट के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्रिपल तलाक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, यूनियन कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। बिल को अब पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। रिसेंटली आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक से संबंधित केसेस सामने आ रहे थे। तो इसीलिए सरकार अब ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए एक कानून बनाना चाहती है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होगा अगर ये कानून बन जाता है, अगर ये बिल पारित हो जाता है पार्लियामेंट से। किसी भी फॉर्म में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन होगा, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। और ट्रिपल तलाक को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। मतलब हर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकेगा। बिल के अकॉर्डिंग में अगर किसी मुस्लिम वुमन का हरासमेंट होता है तो हस्बैंड को सब्सिस्टेंस यानी मेंटेनेंस मनी भी देनी होगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं बिल में। तो बिल अभी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा विंटर सेशन में, अगर पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
अगला आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में है। क्या कॉन्टेक्स्ट है? समिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का टर्की में। वहां पर यह डिक्लेयर किया गया कि ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीन की कैपिटल है, और यूएसए की उस डिक्लेरेशन को जिसमें यूएसए ने कहा था कि जेरूसलम इसराइल की कैपिटल है, उस डिक्लेरेशन को नकार दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने। अगर इस बॉडी की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था, बनाया गया था 1969 में। मेंबर कंट्रीज हैं 57। हेडक्वार्टर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ पे है? जेडा सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे है, देखो, जेडा सऊदी अरेबिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, वो जेडा सऊदी अरेबिया में है। तुर्की के पास में फिलहाल चेयरमैनशिप है, इंडिया मेंबर नहीं है। याद रखिएगा, इंडिया मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। क्या करती है ये बॉडी? मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को आगे करती है, प्रमोट करती है ये बॉडी, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इक्वरीन के बारे में है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हर साल आयोजित होती है इंडिया और मालदीव की आर्मी के बीच में। तो इस साल 8th एडिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है इक्वरीन का। कहाँ पे? बेलगवी कर्नाटका में। तो याद रखिएगा, इक्वरीन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सखी वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में है। क्या कॉन्टेक्स्ट है? एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई सखी वन स्टॉप सेंटर्स पे, और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। सखी वन स्टॉप सेंटर्स होते क्या हैं? देखो, जो महिलाएं वायलेंस से पीड़ित हैं, यानी जिन महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस होता है, उनको सभी सुविधाएं एक ही छत के तले प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंस, लीगल एड, या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टेम्प्रेरी स्पोर्ट सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज वायलेंस से पीड़ित महिलाओं को एक ही सेंटर पे, एक ही छत के तले प्रोवाइड की जाती हैं इन सखी वन स्टॉप सेंटर्स में। और ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2015 से। अभी देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जगह पर ये वन स्टॉप सेंटर्स नहीं है, लेकिन सरकार की योजना ये है कि फेज वाइज मैनर में देश के सभी जिलों में ये सखी वन स्टॉप सेंटर्स इस्टाब्लिश किए जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल था वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में है। कंटेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहला इन लैब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये लैब्स लॉन्च की थी। क्या होता है? स्कूल्स में या फिर दूसरी जगहों पे इस प्रकार की लैब इस्टैब्लिश की जाती हैं। मकसद ये होता है कि बच्चे छठी से बारहवीं क्लास तक के बच्चे इन लैब्स में विजिट करें और उनके अंदर क्यूरिसिटी पैदा हो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, और इनोवेशन की स्किल बच्चों के अंदर डेवलप हो। तो छठी से बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए जो कि विजिट करेंगे इन लैब्स में, स्पेशल टूल्स पड़े होंगे इन लैब्स में, जिससे कि मैथ, साइंस या फिर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स आसानी से समझ सकेंगे छठी से बारहवीं क्लास के बच्चे उन टूल्स की सहायता से। तो ये सब कुछ है अटल टिंकरिंग लैब्स में, और सरकार इंसेंटिव देगी स्कूल्स में। अगर कोई स्कूल इस्टैब्लिश करता है ये अटल टिंकरिंग लैब्स, तो सरकार उस स्कूल को स्पेशल इंसेंटिव देगी। अब देखो, कंटेस्ट ये है कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब कम्युनिटी डे लॉन्च किया 15 दिसंबर 2017 यानी कल। अब देखो, जो ये स्कूल्स में ये लैब्स इस्टैब्लिश की जाती हैं, ये तो उन बच्चों के लिए हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त हो रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कम्युनिटी में जिनको फॉर्मल एजुकेशन हासिल ही नहीं हो रही है। तो उन बच्चों तक पहुंचने के लिए ये स्पेशल कम्युनिटी ड्राइव लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने। तो इस कम्युनिटी ड्राइव में 25 यंग मेंटर्स विजिट करेंगे कम्युनिटी में, उन बच्चों के साथ एंगेज होंगे जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये 25 मेंटर्स उनके साथ एंगेज करेंगे, उन्हें स्पेशल टूल्स देंगे, जो टूल्स अटल टिंकरिंग लैब्स में अवेलेबल होते हैं साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, उसी प्रकार के टूल्स भी इन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्हें फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त हो रही है, ताकि अटल टिंकरिंग लैब्स का जो इंपैक्ट है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके। ये पूरा आर्टिकल है अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे तो पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास दिल्ली में हो रही है ये कॉन्फ्रेंस। वेदास के बारे में या फिर मनुस्मृति के बारे में जो मिथ हैं, फैलेसी, जो भ्रांतियां हैं, उनको डीमिस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास में। इसके अलावा कई सारे और इश्यूज पे भी सेशन होंगे, जैसे कि वर्ल्ड पार्लियामेंट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इन सभी इश्यूज पे भी सेशंस होंगे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इको निवास के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो यह बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत में। तो स्टैचुरी बॉडी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एक बात बताइए आप कि 14 दिसंबर को जो ये एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करना कि गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट्स हैं, इंडिया की क्या अचीवमेंट्स हैं एनर्जी को कंजर्व करने में, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने में, उन सब चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करना मकसद होता है एनर्जी कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट करने का। और इस दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। किसको? इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज ने क्या कदम उठाए हैं एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने में, एनर्जी की कंजप्शन को कम करने में, उन सब चीजों के लिए इंडस्ट्रीज को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिए जाते हैं BEE के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने एक इको निवास पोर्टल भी लॉन्च किया है। इको निवास की फुल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडियन वे फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स, यानी एनर्जी एफिशिएंट जो होम्स होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसकी फुल फॉर्म नहीं, शॉर्ट फॉर्म है इको निवास, और फुल फॉर्म तो काफी लंबी है। अब देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2016 में। आपको यह बताना है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल इनमें से किन किन चीजों को देती है, सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स या फिर ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स। बताइए स्टार लेबल किन अप्लायंसेस को दिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल बहुत पूछती है, बुक्स में नहीं मिलते इस तरह के क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन ये हैं, जैसे खाने के पैकेट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस की सहायता से हम कोशिश कर सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। अब देखो तीनों के तीनों ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं। सीलिंग फैंस को अगर स्टार लेबल देगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो कोई मतलब बनता नहीं है कि इलेक्ट्रिक गीजर्स को छोड़ दे या फिर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप्स को छोड़ दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को दे रही है तो सबको ही देगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को देगी कुछ को नहीं देगी। लॉजिक गलत हो सकता है, लेकिन जब कुछ नहीं पता हो तो इस प्रकार के लॉजिक लगाने पड़ते हैं क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए। अगर ये लॉजिक लगाएं तो देखो डी आंसर है, ठीक हो जाता है। तीनों के तीनों अप्लायंसेज को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल देती है। अगर बीच में कोई खाने की चीज़ आ जाती या फिर कोई दूसरी चीज़ आ जाती तब हम सोचते कि हाँ भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के बीच में खाने की चीज़ कहाँ से आ गई, तब हम सोचते हम। लेकिन देखो अगर इलेक्ट्रिकल गीजर को देगी स्टार लेबल तो कोई मतलब बनता नहीं है कि सीलिंग फैंस को छोड़ दिया जाए या फिर ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप्स को छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कॉमन सेंस का हम इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ लॉजिक बैठ जाए और क्वेश्चन ठीक हो जाए। समझ गए? तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, उसके बाद हमने ट्रिपल तलाक के बारे में डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, हेडक्वार्टर है इसका जेडा सऊदी अरेबिया में, इकोवरीन मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में होती है ये हमने डिस्कस किया, सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में हमने डिस्कस किया, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में हमने डिस्कस किया, PIB में हमने डिस्कस किया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास के बारे में, और सबसे लास्ट में इको निवास के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि एक इंटरेक्टिव पोर्टल है एनर्जी एफिशिएंट होम्स के बारे में जानकारी फैलाता है इको निवास। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।